सब्सक्राइब कीजिए 0 to 9 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने विंडोज 10 पीसी में विंडोज डिफेंडर को अनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर के ग्रुप पॉलिसी एडिटर में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहां सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे GP एडिट। ठीक है, GP एडिट जब आप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा एडिट ग्रुप पॉलिसी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन आपके सिस्टम का ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाएगा। अब यहां पर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखेंगे एक ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी फर्दर ऑप्शंस आएंगी, इसके अंदर सेकंड लास्ट ऑप्शन है विंडोज कंपोनेंट्स, आपने विंडोज कंपोनेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके अंदर जो ऑप्शन आएगी इसमें आपने सर्च करना है विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस। ठीक है, ये देख रहे हैं आप विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब राइट साइड में आपने देखना है सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है डिसेबल। यहाँ पर डिसेबल का मतलब डिसेबल नहीं है बल्कि अनेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस। इट मींस आप अपने डिफेंडर को टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस टर्न ऑफ, तो इसको आपने अनेबल करना है यहां पर और अप्लाई कर देना है एंड देन ओके। तो देखो आप यहां पर ये अनेबल हो गया। इन द फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इसको अनेबल करने की तो आपने सिंपली यहां पर जाके इसको डिसेबल करना है, तो आपका डिफेंडर जो है इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स में आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा।